विकास गुप्ता ने राहुल वैद्य को घोषित कर दिया है टॉप 3 में से एक कंटेस्टेंट। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि राहुल वैद्य की गर्लफ्रेंड दिशा परमार से जा मिले विकास गुप्ता। हम सभी जानते हैं कि विकास गुप्ता घर से बेघर हो गए और उसके बाद से ही वो बाहर जाकर अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं सभी से, और इनमें से एक नाम है दिशा परमार। दिशा परमार के साथ वो मिले और कई फोटोज है उनके जहां पे वो गूफी अंदाज में दिख रहे हैं, एक दूसरे के साथ गूफीनेस शेयर करते हुए। हालांकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी है तो गूफी होना तो भाई बनता है। तो 2-3 फोटोज है जो विकास ने शेयर किए हैं अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर, और ये लिखा है कि वेल व्हाट एन आयरनी, यानी किस प्रकार का किस्मत का कनेक्शन है कि जहां पर जब मैं बिग बॉस सीजन 14 के अंदर गया तब राहुल वैद्य ने एग्जिट ले लिया, और जिस दिन राहुल वैद्य वापस आए उस दिन मैं घर से बेघर हो गया, हमारा मिलना जुलना नहीं हुआ। पर उन्होंने ये ज़रूर लिखा है दिशा परमार को, वेल योर कबीर सिंह इज़ प्लेइंग रियली वेल, यानी आपके कबीर सिंह, आपके हीरो बहुत ही अच्छी तरीके से गेम खेल रहे हैं और वो मेरे टॉप 3 में ज़रूर है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्योंकि विकास जो है वो मास्टरमाइंड कहे जाते हैं और मास्टरमाइंड हमेशा से एक प्रकार से सही ही थे, फिर वो निकी तंबोली का एविक्शन क्यों ना हो या फिर राहुल वैद्य को घर में वापसी करना क्यों ना हो। तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई इस बार भी विकास हमारे मास्टरमाइंड की जो एक प्रकार से उनका जो प्रिडिक्शन है क्या वो सही ठहर जाएगा, और आपको क्या लगता है, क्या आप देखना चाहते हैं राहुल वैद्य को वन ऑफ द टॉप 3 कंटेस्टेंट्स? क्या कुछ है आपकी राय, जरूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ।